ये क्या सच में टूट गया शौर्य और शनाया का रिश्ता? वेल, अब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से गुरप्रीत अपनी बेटी यानी शनाया से बोल रही है कि तुम पलकी से दूर रहो क्योंकि तुम्हारा जो सगाई होने वाला था शौर्य के साथ अब वो नहीं होगा, और उसके अलावा बहुत सारी बातें कहती है, वैसे में तो देख के यही लग रहा है कि सच में शौर्य और शनाया का जो रिश्ता होने वाला रहता है वो टूट चुका है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ पलकी की वजह से, या फिर कोई और ट्विस्ट है। वेल, तो चले देखते हैं आप सभी का मनपसंद सीरियल कुंडली भाग्य आने वाले एपिसोड में आखिर क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। हालांकि हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरीके से पलकी और राजवीर दोनों बेहद रोमांटिक डांस करते हैं जिसकी वजह से सभी लोग बेहद खुश रहते हैं, लेकिन वही निधि है कि इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि पलकी और राजवीर उसके ही घर में इतनी रोमांटिक डांस कर रहे हैं, क्योंकि वो पलकी और शनाया को बिल्कुल पसंद नहीं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल नहीं चाहती है कि लोत्रा हाउस में इन दोनों बहनों की कदम पड़े। लेकिन अब इस सीरियल का लेटेस्ट प्रोमो सामने आ चुका है और उसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से गुरप्रीत है वो शनाया से कहती है कि तुम पलकी से दूर रहो क्योंकि तुम्हारा और शौर्य का जो रोका होने वाला था अब वो नहीं होगा, टूट चुका है और ये तोड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि पलकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में पलकी की वजह से इन दोनों का जो रोका होने वाला था अब वो नहीं होगा, और फिर साथ ही सवाल ये भी उठता है कि अब शौर्य क्या करने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं शौर्य पलकी से प्यार करने लगा है और जिसकी वजह से वो शनाया से बिल्कुल ही प्यार नहीं करता। साथ ही सवाल ये भी उठता है कि क्या निधि ने ये काम किया है और पलकी के ऊपर अपना जो आरोप है वो मढ़ दी है। वेल, इस वीडियो पे आप सभी का क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी अपनी फेवरेट से एक अपडेट जानने के लिए देखते रहे फिल्म बिट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें।